विश्वकर्मा समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए रघुआचार्य के नेतृत्व में इंडियन विश्वकर्मा ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स एंड बिजनेसमैन द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व एमएलसी रघुआचार्य ने कहा कि यह सम्मेलन विश्वकर्मा समुदाय के विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उत्साही युवाओं के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वह सिविल सेवा परीक्षाओं और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का प्रमुख और तात्काल उद्देश्य है कि दिल्ली और नोएडा में एक विश्वकर्मा भवन की नींव रखी जाए, जो समुदाय की सिविल सेवा परीक्षाओं और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थियों के लिए आदर्श केंद्र होगा। वही बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर ने कहा कि पुनर्निर्माण के और एक बेहतर भविष्य के लिए पूरे विश्वकर्मा समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए, इस समझ के साथ कि भविष्य में हर क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस समुदाय के 15 करोड़ निवासी है जो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, ये अवसर देना चाहिए। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इस समुदाय के लोगों को भी देश को चलाने और संसद में जगह मिले। विश्वकर्मा समुदाय दिल्ली और नोएडा में विश्वकर्मा भवन की जल्द ही स्थापना करेगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। The 20 points program today in this conference, National Vishwakarma Officers Businessmen's Conference, which is the basically the President Mr. Prabhakar, Secretary Raj Shekhar and Raghu Acharya, they had initiated और आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि पूरे देश से सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष ये समय समय पर वैसे तो परिस्थितियों वश से कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ओवरऑल देश के लिए नीतियां हैं उनको समझ के और उनका अनुकरण करते हुए नीतीश जी ने यह फैसला लिया है कि देश के भविष्य के लिए मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए नीतीश जी का कि इन्होंने चाहे देर से सही लेकिन सही फैसला देश के हक में लिया है। नीतीश जी ईमानदार और सीजंड नेता हैं और हमें यह विश्वास था कि वो कभी गलत रास्ते के ऊपर जाएंगे नहीं। जो लालू यादव जैसे जिनका कार्यकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा, उन लोगों से इनकी लंबी पटरी बैठ नहीं सकती है। आखिरकार NBC न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।